जनरल और दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, 3.3 और 4.3, ठीक है सॉल्व कर लिए, टैली कर लेते हैं। पहले 3.3 जनरल जनरल, यहाँ तक तो प्रॉब्लम जी, 1 2 3 सेम। नेक्स्ट यहाँ तक सेम। टेन तक कॉपी कर लिया। कंप्लीट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नेक्स्ट 4.1 है। वन करवाया था, टू भी हो गया था, थ्री थ्री होमवर्क था ना। 4.3
कैश कितना होगा ऑफिस में, बैंक में कितना होगा, रिकॉर्ड में क्या होगा, 5,000 कहाँ गए, चोरी हो गए, 5,000 कहाँ गए, ये प्रॉब्लम आएगी ना। फिजिकली कितना हो गया, 1,000, रिकॉर्ड में क्या आ रहा है, कैश 6,000, 5,000 कहाँ गए, इसलिए अलग है। आपको पता चले ना कि कैश कितना है इन हैंड और ऑफिस बैंक में कितना है, और बैंक बैलेंस क्या आ रहा होगा, जीरो, अलग अलग रिकॉर्ड। 1, 2, 3 क्लियर। नेक्स्ट, फोर फाइव सेवन, ये बेहतर है, इक्विपमेंट बेहतर इसमें। वाले और क्या हुआ, फाइव बार वाला क्या कौन लिखे, इसकी जगह लोन। इंश्योरेंस को तो हम देते हैं ना, इंश्योरेंस कराते तो पैसे देते हैं, वो तो हमारा एक्सपेंस होता है, लोन थोड़ी होता है, एक्सपेंस है। क्लियर। नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट, सॉल्व किया दिए कितने लगने लगी, किसके साथ सॉल्व किया, नेक्स्ट। बोले तो मैं रुक जाऊंगा, तो बोली नहीं, मुझे क्या पता कौन सा क्या कर सकता है, तो यहाँ स्पेशली नहीं होगा, वो फर्स्ट ईयर में होता है, थोड़ा सा फर्क है, ये लिख लेते ही बेहतर है, सप्लाई का वो काम नहीं रहता। बाकी ये कि प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है। 21, 23, 25 ये हो गए। नेक्स्ट, लास्ट 31, क्लियर।
क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है? ओके।